न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है और चुनाव के साथ साथ यहां खून खराबे का दौर भी जारी है। चुनाव का जोश नेताओं में इस कदर है कि अपने फायदे के लिए ये किसी की जान भी ले सकते हैं। बता दें कि जनता दल राष्ट्रवादी पार्टी के शिवहर से प्रत्याशी नारायण सिंह और उनके एक समर्थक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बता दें घटना उस वक्त हुई जब प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में निकले हुए थे। वही प्रत्याशी के समर्थकों ने एक हत्यारे को मौके से दबोच भी लिया है जिसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। बता दें कि शिवहर में हुए जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी की गोली मारकर हत्या मामले में अब तक दो लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। प्रत्याशी नारायण सिंह के साथ जख्मी हुए दो व्यक्ति में से एक संतोष कुमार की भी इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति अभय कुमार उर्फ आलोक का इलाज लगातार जारी है। बता दें शिवहर विधानसभा से जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह शनिवार को चुनाव प्रचार करने निकले थे। बताया जा रहा है कि वे पुरहनिया प्रखंड के हथसार गांव के पास जनसंपर्क में जुटे हुए थे। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। अचानक हुई फायरिंग में भगदड़ मच गई। सीने में गोली लगने से श्री नारायण सिंह मौके पर ही खून से लथपथ होकर गिर पड़े। बता दें कि फायरिंग करने के बाद मौके से भाग रहे बाइक सवारों पर भीड़ ने हमला कर दिया। इसमें से एक आरोपी को लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया है जिसकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वही जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह को उपचार के लिए शिवहर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने उन्हें सीतामढ़ी रेफर कर दिया। रास्ते में उनकी मौत हो गई। श्री नारायण सिंह की मौत की खबर से समर्थकों में आक्रोश फैला हुआ है। वही बता दें कि अगर श्री नारायण सिंह के आपराधिक इतिहास की बात करें तो शिवहर जिले के डुमरी कटसरी प्रखंड के नया गांव निवासी श्री नारायण सिंह पूर्व में जिला पार्षद और मुखिया रह चुके थे, राजद के जिला उपाध्यक्ष थे। टिकट नहीं मिलने पर पद और पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो जनता दल राष्ट्रवादी के टिकट पर मैदान में थे। वही पूर्व में उनका अपराध की दुनिया से गहरा संबंध रहा है। साथ ही शिविर में हत्या और आर्म्स एक्ट के 6 मामले उन पर दर्ज है। वही मुजफ्फरपुर के बैरिया में चर्चित कुंदन सिंह हत्याकांड में भी वो आरोपित रहे हैं। हालांकि नामांकन के दौरान दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने शिवहर में आधा दर्जन मामले की जानकारी दी थी। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहे स्पिन 9 न्यूज। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।